अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का, मार्केटिंग मिक्स का जो प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन था उसके अंदर का जो टॉपिक है एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये है क्या, तो इससे हम चार इसका जो इसके अंदर चार पॉइंट्स है, उस चार पॉइंट्स को आप जैसे पढ़ लेंगे तो आप इजिली समझ जाएंगे कि एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। ठीक, तो सबसे पहला हमारे पास प्रोडक्ट प्रोसेसिंग। तो देखो, यहाँ प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में मैंने थ्री पॉइंट्स लिखा है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कंपनी ट्राई बेस्ट टू डिक्रीज ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम। देखिए, जब भी कोई भी कंपनीज कोई भी कस्टमर से अपना ऑर्डर लेती है ना, तो वो हमेशा ट्राई करती है कि अपना कस्टमर का ऑर्डर जो है वो फटाफट ले ले, है ना। तभी जाके वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताती है कि कस्टमर का इतना इतना ऑर्डर है और इसे फटाफट बना दो, तो जितना फटाफट बन जाएगा उतना फटाफट कस्टमर को बेच देंगे और पैसा कमा लेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है। फिर सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया है ऑर्डर ऑफ कस्टमर। हाँ, बहुत स्वाभाविक बात है यार। देखिए, यहाँ पे कंपनी, ठीक, बिजनेस, यहाँ पे कस्टमर। कस्टमर क्या करेगा, ऑर्डर भेजेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ कस्टमर कंपनी के पास जाएगा। ठीक है, कस्टमर्स का ऑर्डर जो है वो कंपनी के पास जाएगा और कंपनी का कंपनी फिर क्या करेगी, प्रोडक्ट बनाएगी और प्रोडक्ट बना के कस्टमर को बेच देगी और पैसा कमा लेगी। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है, इसे हम कहते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। सेकेंड पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे एक चीज फोकस करना। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे। जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट बनाता है ना, तो वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब जैसे ट्रक से भेज दिया, ठीक है, अपना सामान, ठीक, या फिर शिप की हेल्प से भिजवा दिया या फिर प्लेन की हेल्प से भिजवा दिया। तो कोई भी तरीके से वो क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, जिसकी हेल्प से उसका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाता है। लेकिन इस ट्रांसपोर्टेशन करते समय, मतलब कस्टमर तक सामान पहुंचते हुए, बच्चों बीच बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ऑब्स्टिकल्स में यानी डिफिकल्टीज, तो कंपनीज को वो सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम करना पड़ता है, यानी कम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मे बी आप ट्रक से सामान ला रहे हो और आते आते कुछ ट्रक अगर टकरा गया कहीं पे और आपका जितना भी प्रोडक्ट उस ट्रक में रखा था और उसके कारण पूरा प्रोडक्ट भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो घाटा है ना। तो इसलिए हर कंपनीज को ट्रांसपोर्टेशन के समय जितने भी ऑब्स्टिकल्स है उसे पूरी ओवरकम करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे आपके प्रोडक्ट का आप इंश्योरेंस करवा लो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर आपका प्रोडक्ट लॉस में भी चलेगा तो आपको वो लॉस ज्यादा होगा नहीं, अगर आपने इंश्योरेंस करवा दिया तो। ठीक है, तो ये है ट्रांसपोर्टेशन। अब थर्ड है हमारे पास वेयर हाउसिंग। देखो, वेयर हाउसिंग कुछ नहीं होता यार, ये एक जगह होती है जहां पे बिल्डिंग खड़ी होती है और उस बिल्डिंग के अंदर हम अपना सामान रखते हैं, उसे हम वेयर हाउसिंग कहते हैं। जैसे प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो इन प्रोडक्ट्स का हम क्या कर देते हैं, एक बंडल बना देते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट्स को हम साथ साथ में रखते हैं, मतलब पेस्ट जो होगा ना उसको एक बड़े से कॉर्गेटेड डब्बे में रख देंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। मतलब जब भी आप अपने प्रोडक्ट्स को साथ एक बंडल में साथ में रखेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। तो हम इस इन्वेंट्री को क्या करते हैं, एक बिल्डिंग में, एक जगह में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। क्यों करके ऐसा रखते हैं, व्हेन कस्टमर इन नीड प्रोडक्ट गेट्स डिलीवर टू कस्टमर फ्रॉम वेयर हाउसेस। मतलब हम इसलिए स्टोर करके रखते हैं कि जब भी हमारे कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट की जरूरत हो तो हम उस जगह से अपना प्रोडक्ट लेके कस्टमर को दे दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एसी और कूलर, जो एसी और कूलर होते हैं ना, ये जनरली आपके गर्मी में काम आते हैं, लेकिन कंपनीज क्या करती हैं, जो भी कूलर और एसी बनाती है वो क्या करती है, ठंडी के समय अपना पूरा काम चालू कर देती है एसी कूलर बनाना। ठीक है, और वो क्या कर देती है, वो उस सारे का बंडल बना के उसे एज एन इन्वेंट्री उसे स्टोर कर देती है एक जगह पे। ठीक है, फिर जैसी गर्मी आता है, लोग का डिमांड बढ़ता है, लोग बोलते हैं कि हमें एसी चाहिए, कूलर चाहिए, तो जितनी भी कंपनी से वो क्या करती है, उस वेयर हाउस से जहाँ उन्होंने स्टोर करके रखा है एसी या कूलर, वहां से निकाल के उसे कस्टमर को दे देती है, उसे हम कहते हैं वेयर हाउसिंग। होपफुली आपने समझ लिया होगा। नाउ इन्वेंट्री कंट्रोल। देखो, इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है, इन्वेंट्री तो आपने समझ लिया, ठीक है, मतलब बंडल ऑफ प्रोडक्ट,
जब हम साथ में रखते हैं उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। डिसीजन रिगार्डिंग अनकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री, इसे हम इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि देखो, जितना ज्यादा आप इन्वेंट्री रखोगे, ठीक है, उतना ज्यादा कस्टमर को जब भी चाहिए होगा तो आप उन्हें इजिली दे पाओगे, है ना। वैसे ही अगर जितना कम आप इन्वेंट्री रखोगे अपने पास, मतलब जितना कम आप अपना सामान स्टोर करके रखोगे वेयर हाउस में, तो आप उतना ज्यादा कस्टमर को सही समय में दे ना पाओ। मे बी कमी पड़ जाए, प्रोडक्ट की कस्टमर डिमांड कर रहा है लेकिन उसकी कमी पड़ जाए क्योंकि आपने उसकी इन्वेंट्री कम बना के रखी थी, ठीक। तो इससे होता क्या है, मतलब अगर आपने इन्वेंट्री ज्यादा बना के रखी है ना, तो कस्टमर को इजिली मिल जाएगा, ठीक है, कस्टमर को कभी भी आपके प्रोडक्ट की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जितना ज्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो उतना याद रखिएगा कि आपका खर्चा भी उतना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि भाई जिस भी जगह आप रख रहे हो उसका तो खर्चा आपको देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप इन्वेंट्री रखेंगे उतना ज्यादा खर्चा बढ़ेगा, जितना कम इन्वेंट्री रखेंगे उतना कम आपका खर्चा आएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा डिसीजन रिगार्डिंग अनकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डिसीजन बनाते हैं कि हमें एक्चुअली में इन्वेंट्री को रखना है या नहीं रखना है, मेंटेन कैसे करना है, क्योंकि पता है कि भाई अगर ज्यादा हम रखेंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा आ जाएगी, कम रखेंगे तो कॉस्ट भली कम आएंगे लेकिन उससे क्या हो जाएगा, हम ज्यादा कस्टमर को दे नहीं पाएंगे, तो दिक्कत तो सब जगह है। तो वो क्या करती है, एक तरीके का अच्छा डिसीजन बनाती है कि किस तरीके से वो अपना इन्वेंट्री कंट्रोल अच्छे से रख पाए, ठीक। तो होपफुली आपने समझ लिया होगा एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। और दो बात याद रखिएगा, आपको नोट्स तो हमारी वेबसाइट में अवेलेबल मिलेगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। सेकेंड चीज, आपको सारी वीडियोस इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलेगी, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स से मिल जाएगी। और थर्ड चीज, आपको जो हमेशा याद रखना है, मैं कहता हूँ आपको बुक रीडिंग जरूर करनी है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों मैं चलता हूँ, और बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।